सुबह उठ के मैंने वेट चेक किया तो मेरा वेट आप देख पा रहे हैं कि 60.8 है अभी का प्रेजेंट वेट है मेरा ये, तो इसको मैं 5 किलो कम करूँगी। फिर सुबह उठ के मैंने ये सियासी वाटर लिया, उसमें नींबू डाल के, और ये मैं रात को भिगो के रखी थी, ठीक है। तो ये मेरे वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है ये ड्रिंक। फिर उसके बाद मैंने ये एक्सरसाइज शुरू किया, तो वार्म अप किया पहले। तो वार्म अप बहुत ही ज़रूरी है, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करें या जिम में जाए या कहीं पर भी कुछ भी करें, तो उसके पहले वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको बॉडी को, आप रात भर सोए थे तो उसके बाद अचानक से एक्सरसाइज करना, तो फिर बॉडी को भी वो आदत होना चाहिए, तो इसके लिए इसके पहले थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए। और मैं ये डेली करती हूँ, तो वार्म अप पहले करती हूँ, फिर उसके बाद योगा करती हूँ, फिर उसके बाद वेट लिफ्ट करती हूँ। तो वेट लिफ्ट कभी कभी मैं शाम को भी करती हूँ, सुबह छोड़ देती हूँ। सुबह का जो एक्सरसाइज है मेनली जो आपको, अगर कोई अगर बेली फैट कम करना चाहते हो तो सुबह के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि सुबह आप खाली पेट रहते हो तो बेली फैट कम करना बहुत आसान होता है सुबह, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे डेली बेसिस पे। जो बेली फैट रिड्यूस करने के लिए जो एक्सरसाइज होते हैं, तो मैं वो इसमें दिखाऊंगी कैसे बेली फैट कम किया जाता है। मेरा भी कुछ महीने से एक्सरसाइज बिना ना करने की वजह से थोड़ा वेट भी बढ़ गया है और बेली फैट भी बढ़ गया है, तो इसलिए मैं ये वाला ये चैलेंज जो है मैंने अपने आप को दिया है। और वेट जो मैंने दिखाया कि मेरा 60 किलो वेट है अभी, तो मैं डेली वेट चेक नहीं करूँगी, क्योंकि डेली वेट चेक करना इज़ नॉट गुड, बिकॉज आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो। तो हफ्ते में एटलीस्ट मिनिमम एक हफ्ते बाद आप अगर वेट चेक करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। डेली बेसिस पर वेट नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि सुबह उठ के अगर आप देखेंगे कि वेट कम नहीं हुआ तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने ये एक्सरसाइज करना शुरू किया है, तो ये सब एक्सरसाइज सब कुछ ही आपका बेली फैट, आपका वेस्ट का जो साइड पोर्शन है वो वाला फैट कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए एक्सरसाइज जो है ये आप कोई भी वीडियो देख के या कुछ भी देख के आप अगर करना शुरू करेंगे, तो उससे बेहतर यही है कि आपका बॉडी जो है जो आपको सपोर्ट करेगा आपकी एक्सरसाइज में, तो आपकी बॉडी को सुने और आपकी बॉडी जिस हिसाब से चलता है तो उस हिसाब से ही आप चलिए, क्योंकि बॉडी के अगेंस्ट अगर कुछ करेंगे तो वो आपके लिए ही ठीक नहीं होगा। तो मैं हमेशा मैं अपनी बॉडी की सुनती हूँ, अपने माइंड की सुनती हूँ, कुछ भी यार कुछ भी देख लूँ या उसको देख के करना नहीं शुरू करती। हाँ, ये सब कुछ एक्सरसाइज ही मैंने यूट्यूब पर देखा है या कोई भी किसी का फिटनेस वीडियो है, सब कुछ देख के ही मैंने सीखा है, लेकिन फिर मैं उसको अपने तरीके से करना वाला सीख लिया है कि कितना बार करूँ या कितना बार नहीं करूँ, क्या करना चाहिए मेरे लिए। तो ये आप लोग भी डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज नहीं, और कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो वो एटलीस्ट मिनिमम 20-30 टाइम्स आपको करना चाहिए। मैं ये 30 टाइम्स हर एक एक्सरसाइज करती हूँ, तो क्योंकि उससे कम करेंगे, अगर शुरू में अगर तकलीफ भी हुआ तो इट्स ओके, अगर आप 10 बार भी शुरू करेंगे तब भी ठीक चलेगा। धीरे धीरे करके उसका जो टाइमिंग है, उसका जो जो जितने बार करते हो वो आपको धीरे धीरे करके वो बढ़ाना चाहिए, तभी जाके आपकी बॉडी में इफेक्ट दिखेगा। क्योंकि आप 10 बार ही अगर एक महीने तक 10 बार ही करते रहेंगे कोई एक्सरसाइज, तो उससे और भी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा अगर वो चीज़ अगर डेली बेसिस पर अगर आप उसका जो काउंटिंग है वो बढ़ाते जाए, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बस यही मैं करती हूँ, ये मेरा थाई पोर्शन का जो है कम करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है। और एक एक्सरसाइज है जो ये भी साइड पोर्शन कम करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है एक्सरसाइज, आप देख पा रहे हैं। तो सभी एक्सरसाइज बहुत ही यूज़फुल है, आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख के आप कर सकते हो, जिसको भी आप फॉलो करते हो उनको फॉलो करके आप कर सकते हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर वेट लॉस। और वेट लॉस करने के लिए आप हफ्ते में एटलीस्ट मिनिमम आपको 4-5 दिन एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। बोलते हैं कि 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज, सो डेफिनेटली ये सच है, बट एक्सरसाइज अगर आप एक हफ्ते में एक बार करें तो वो ज़्यादा नहीं करेगा, अगर आप हफ्ते में 4 बार करेंगे मिनिमम तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। डेली बेसिस पे ना भी करें तब भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 4 बार करना चाहिए। ये है टमी ट्विस्टर, ये मैंने अमेजोन से लिया था बहुत साल पहले, तो अभी भी चल रहा है, ये अच्छा है, ये आपका साइड पोर्शन कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है, ये मैं यूज़ करती हूँ डेली, अच्छा ही चाहिए। उसके बाद मैं करती हूँ सूर्य नमस्कार,
ये स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं तो कहूँगी ये बेस्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग के लिए। आफ्टर वेट लिफ्टिंग या कुछ भी अगर करें उसके बाद सूर्य नमस्कार अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपको रिलीफ मिलेगा एक। तो ये मैं डेली बेसिस पे 10 बार करती हूँ। आप अगर चाहें तो आप एक बार भी करें, लेकिन सूर्य नमस्कार ज़रूर आप जब भी योगा करेंगे तो ज़रूर ये एक्सरसाइज। फिर मैं प्लंक करती हूँ। प्लंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप अगर बेली फैट कम करना चाहते हो तो मैं ये 200 टाइम काउंट करके करती हूँ। फिर कोई भी एक्सरसाइज करें जब तब भी आप नो रेस्ट लेना चाहिए, तो बीच बीच में फिर रेस्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं बीच बीच में रेस्ट लेती रहती हूँ। तो देखिए एक्सरसाइज करेंगे जब आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो कोई भी अगर आप नो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी देखेंगे ये सेलिब्रिटी लोग जैसे नो परफेक्टली पोज देकर एक्सरसाइज करते हैं तो एक्चुअल में ये होता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर नो मूड खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। आप बस ट्राई तो करें, कोशिश करें, कोशिश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज़ के लिए अगर जब आप कोशिश करेंगे डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपको तुरंत ना मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो मैंने भी 70 किलो से आज 60 किलो तक पहुंची हूँ। तो डेफिनेटली मेरा जो कोशिश रहा था वो कोशिश जो है वो कामयाब रहा था। तो ये जो माइंड सेट है ना ये हमेशा रखना चाहिए जब भी आप कोई भी काम करेंगे। तो बस दूसरों को फॉलो मत कीजिए, खुद का जो बॉडी है खुद क्या चाहते हैं उसके उस हिसाब से आप करिए। डेफिनेटली आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो ठीक टाइम पे मिलेगा ही। फिर मैंने जो मेरा जो डंबल है 3 kg का तो उसको लेकर मैंने थोड़ा एक्सरसाइज किया। मैं वेट लिफ्टिंग आज नहीं किया तो आज हो सकता है मैं शाम को करूँ या कल करूँ, क्योंकि वेट लिफ्टिंग एक साथ और योगा एक साथ नहीं होता है। तो बस दोनों को मैं डिवाइड कर लेती हूँ। तो मेरे पास 3 kg का एक एक करके डंबल है और 6 kg का केटलबेल है, बस उसी को मैं दोनों को यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो आप 2 kg का भी ले सकते हो, 5 kg का भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है आप कितना वेट उठा सकते हो। तो मैं यही करती हूँ, इसको ही यूज़ करती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। और आप चाहे तो आपकी मर्जी है आपके हिसाब से आप वेट ले सकते हो। तो ये बटरफ्लाई कर रही हूँ। बटरफ्लाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली लड़कियों के लिए जिन लोगों का पीरियड्स का प्रॉब्लम होती है, ठीक टाइम पे नहीं होता है। तो बटरफ्लाई करने से आपका थाई जो है वो भी कम होता है, आपकी लोअर पोर्शन भी फ्लेक्सिबल होता है और आपके पीरियड्स जो है वो भी टाइमली आपको वो होता है। इसका भी PCOS PCOD है वो बटरफ्लाई ज़रूर करें। बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा सुबह का जो है तो मैं डेली करती हूँ 200 बार ज़्यादा बेटर है। आप अगर सुबह 15 मिनट भी एक्सरसाइज करें ना या कुछ भी करें, मॉर्निंग वॉक पे जाए या जॉगिंग करें कुछ भी करें तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है रैदर देन जब आप अगर शाम को अगर करेंगे तो। और सुबह का जो एनवायरमेंट रहता है वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है आपकी योगा के लिए एक्सरसाइज के लिए। तो मैं सुबह ही प्रेफर करती हूँ ज़्यादातर। और बेली फैट कम करने के लिए सुबह का एक्सरसाइज सबसे अच्छा है क्योंकि आप उस टाइम खाली पेट रहते हो तो आपके कोई भी खाना आपके पेट में नहीं रहता। तो सुबह में ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अगर आप लोग पेट जो है कम करना चाहते हो तो कोई भी एक्सरसाइज सुबह में करें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। Thank you.
ये सब हो जाने के बाद भी मैं थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ और प्राणायाम करती हूँ। और सबसे शुरू बात में मैं ये ओम का चैंटिंग से स्टार्ट करती हूँ। ओम का चैंटिंग जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये आपका जो थर्ड आई चक्र है उसको हील करने में, उसको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं इस चक्रास के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊँगी जहाँ पर मैं डिफाइन करूँगी हर एक चक्रा के बारे में। तो ओम का चैंटिंग आप लोग ज़रूर डेली बेसिस पे करेंगे, आपको डेफिनेटली जो है वो रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही पावरफुल है ओम चैंटिंग करना। तो ये मैं करती हूँ एटलीस्ट 5 मिनट तक, फिर उसके बाद मैं प्राणायाम करती हूँ उलनम विलम कपाल भारती। ये है कपाल भारती, ये मैं डेली बेसिस पे करती हूँ 5 मिनट तक। क्योंकि कोई भी अगर प्राणायाम करेंगे ना तो एटलीस्ट 5 मिनट तक कोशिश कीजिए करने के लिए, फिर धीरे धीरे करके उसका जो टाइमिंग है वो बढ़ाते जाइए। क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं कि आप 10 मिनट या 20 मिनट तक करें, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपकी तभी आपकी बॉडी जो है सपोर्ट करेगा। तो मैं 5 मिनट ही करते, उसके ज़्यादा मैं होता नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे वो बढ़ाने की। फिर उसके बाद मैं ये उलनम विलम करती हूँ, ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर प्राणायाम जब हो जाता है तो फिर मैं फेस का योगा करती हूँ और हाथ को ऐसे वार्म अप करके मुँह पे ऐसे करती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा ग्लो देता है फेस पे, आप लोग ट्राई कर सकते हो। फिर मैं उसके बाद फेस योगा करती हूँ, फेस फैट कम करने के लिए फेस योगा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक का भी एक्सरसाइज करती हूँ, नेक का मतलब हर वक्त हम लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो इसमें नेक का हालत बहुत ख़राब हो जाता है। डेली बेसिस पे नेक का एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों का भी स्पॉन्डिलाइटिस है उनको तो एक्सरसाइज करना ही करना है नेक का। और मैं ये दो करती हूँ, और आँखों का भी कुछ एक्सरसाइज है वो भी करती हूँ, क्योंकि हमारा जो स्क्रीनिंग टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। डे बाई डे हम लोग फ़ोन पे इतना टाइम बिताते हैं तो हमारा आँखें जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है उससे। तो इसलिए आँखों का एक्सरसाइज भी है, वो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, वो ज़रूरी है करना डेली बेसिस पे, अगर आप आपके आँखें जो है वो ठीक रखना चाहते हो तो। तो ये सब कुछ छोटा छोटा एक्सरसाइज है जो आप डेली बेसिस पे कभी भी कहीं पर भी आप कर सकते हो। इसके लिए कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं ये कभी भी कहीं पर भी आप शुरू कर सकते हो, इसके लिए कोई है ना जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो ये। तो आपने देख लिया कि मैं सुबह कैसे एक्सरसाइज करती हूँ, कैसे मेरा सुबह स्टार्ट होता है। पहले एशिया से खाली उसके बाद एक्सरसाइज किया, और एक्सरसाइज आज पहला दिन था तो ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज किया। तो आप डे बाई डे मैं दिखाऊंगी कैसे और भी अच्छे से और भी एक्सरसाइज जो है मैं करती हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप सबको अच्छा लगेगा और आप लोग इन्जॉय करेंगे मेरे वीडियो को। तो इसके बाद मैं अभी ब्रेकफास्ट करूँगी, तो मैं दिखाऊंगी कि ब्रेकफास्ट में मैं क्या ले रही हूँ। तो आई होप आप सबको एक्सरसाइज अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना, और मेरे वीडियो जो है मैं ये जो 30 डेज का चैलेंज ले रही हूँ लिया है, तो आई होप आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा ये वीडियो, जितना लोगों तक पहुँच पाए तो लोग एटलीस्ट मोटिवेटेड हो पाए, अपने घर से ही स्टार्ट कर पाए फिटनेस जर्नी जो है। इसके लिए जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख पा रहे कि आफ्टर योगा मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, तो कितना इफेक्टिव है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि नेचुरल ब्यूटी, ऐसे नहीं होता। योगा एक ऐसी चीज़ है, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से खूबसूरत बनाती है। तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो ग्लो है आपके चेहरे पर दिखाई देगा। मेरा मैंने कुछ नहीं लगाया फेस पे, एकदम से नेचुरल है। सुबह उठ के ही मैंने शुरू होगी ये सब करके, और आप देख पा रहे हैं कि ग्लो कर रहा है। तो डेफिनेटली योगा बहुत ही ज़्यादा ग्लो देता है फेस में। और फेस योगा जो होता है जो मैंने दिखाया है वो भी बहुत अच्छा है फेस के लिए, फेस फैट के लिए, फेस ग्लो के लिए। तो आई होप अच्छा लगा होगा। फिर आगे मैं क्या ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ, लंच में क्या खा रही हूँ, डिनर में क्या खा रही हूँ, मैं धीरे धीरे करके दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। ब्रेकफास्ट में आती हो। हाय गाइस, तो मैं ये ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ चॉकलेट, डार्क चॉकलेट ओट्स। तो बहुत ही यमी है, टेस्टी है, और इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है और ना ही मैंने चीनी दिया है। तो बस दूध में लेके दूध को एकदम पतला बन करके फिर उसको ओट्स जो है उसमें डाल के मिक्स करके तो बन गया मेरा ओट्स। फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो ब्रेकफास्ट में, बहुत ही यमी है। यही मैं आज खाऊंगी। तो यह तो ब्रेकफास्ट खाने के बाद कुछ बात कहना चाहती हूँ कि मैं जो ये चैलेंज लिया है मैंने 30 डेज का, इसमें मैंने जो जंक फूड है वो अवॉइड करूँगी। सुगरित चीज़ जो है, पेस्ट्री, केक, ये सब अवॉइड करूँगी, कोशिश करूँगी। हो सकता है कि ये 30 डेज में एक दो दिन हो भी जाए, बट कोशिश करूँगी कि वो ना खाऊँ और बस घर का खाना। बट मैं सिर्फ मेरा कोशिश यही रहेगा कि जो भी मैं खाती थी उसका जो प्रपोर्शन था, अभी का जो मैं खाऊँगी उसका प्रपोर्शन कम कर दूँगी, ठीक है। बट खाना वही खाऊँगी जो मैं पहले खाती थी, अभी भी वही खाऊँगी, बट प्रपोर्शन जो है, क्वान्टिटी जो है वो कम कर दूँगी।
ठीक है। और कार्ब्स जो होता है कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कम हो खाओ और प्रोटीन ज़्यादा खाओ, ठीक है। तो मेरा हफ्ते में थर्सडे आज वेज खाती हूँ, आज साई बाबा का पूजा करते हैं घर पे, तो आज सब लोग वेज खाते हैं। ट्यूजडे को बजरंग बली की पूजा करती हूँ तो उस दिन भी वेज खाती हूँ। तो ये दो दिन मेरा वेज चलता है, बाकी दिन मेरा नॉन वेज चलता है। तो बस बैलेंस हो जाता है मेरा डाइट, या कभी अगर बाहर का खाना खा भी लूँ जंक फूड तो फिर दूसरे दिन वो बहुत बैलेंस कर लेती हूँ। तो मैं सब कुछ धीरे धीरे करके मैं अपनी वीडियो पे दिखाऊंगी, आप लोग देखते रहेंगे। और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अपने घर पे, आप लोग भी अपने आप को चैलेंज दे सकते हो कि वेट लॉस के लिए, जिनका वेट बहुत ही बढ़ चुका है वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ साथ, तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। तो बस यही मैं कहना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप वेट लॉस जर्नी में हो, आप कोशिश करो कि वेट कम करें। रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलैक्स रहना, स्ट्रेस फ्री रहना और काम रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप अगर रिलैक्स नहीं रहेंगे आप, तो आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहेंगे। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब कुछ वेट गेन करवाता है। इसलिए बोलते हैं कि डीप स्लीप, ठीक है, डीप स्लीप, अच्छा खाना, अच्छा सोच, ये सब कुछ वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत लोगों का वेट गेन होता है बिकॉज ऑफ देयर सफरिंग इन एंजाइटी एंड डिप्रेशन, की वजह से भी वेट गेन होता है। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है, सिर्फ एक्सरसाइज डाइट ये सब तो है ही इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ जो है उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और लड़कियों का तो होता है कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत मूड स्विंग करता है, हार्मोनल चेंजेस होता रहता है, तो ये तब तो नॉर्मल है। तो बट बाकी डे तो अपने आपको, इसके लिए योगा एंड मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी 7 चक्रा के बारे में, 7 चक्रास क्या होता है, इसका लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बैलेंस करता है हमारे लाइफ को, कितना 7 चक्रास जो है, तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ दिनों से 7 चक्रा को बैलेंस करने के लिए, तो एक अलग पार्ट है, मैं उसको अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप लोग देखेंगे जब मैं बनाऊंगी। तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए। तो तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ, आप लोग भी ब्रेकफास्ट एंजॉय करिए। तो मिलते हैं लंच पे, तब तक के लिए बाय। हाय गाइस, तो अभी है लंच टाइम। तो आप देख पा रहे हो कि मेरा जो प्लेट है मैंने सजा रखी हूँ, ये मेथी की पराठा, ये है दही, ये आलू की सब्जी, ये है सैलड और ये है मिर्ची की अचार, ये बहुत टेस्टी है। तो ये मैं आज लंच में खा रही हूँ, तो मैं सिर्फ दो ही खा रही हूँ, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि दही विंटर के सीज़न में क्यों, दही आप कोई भी सीज़न में खा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दही जो है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी सीज़न में आप खा सकते हो दही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दही को मैंने थोड़ा रायता की जैसे बना लिया है, ठीक है, इसमें थोड़ा मसाला वसाला देखें। तो यही है मेरा लंच का जो मेनू, तो मैं अपना लंच एंजॉय कर रही हूँ, आप भी अपना लंच एंजॉय करें। तो मिलता है डिनर पे। शाम को मैंने चाय पिया विदाउट शुगर, दूध चाय और उसके साथ शुगर फ्री बिस्किट, तो ये मैं डेली पीती हूँ शाम को। तो शाम को मम्मी जो है वो साई बाबा की पूजा करती है, तो ये आरती हो रही थी, तो इसमें मैंने आज भोग चढ़ाया है कि गाजर का हलवा है, सिमई है और फल है, तो साई बाबा को भोग पर चढ़ाया गया है। तो गाइस, ये है मेरा डिनर का थाली, तो आज सिर्फ प्रसाद ही प्रसाद है। तो ये तो मेथी के पराठा सिवाय इसको छोड़ के बाकी सब कुछ प्रसाद है। ये खिचड़ी है जो मेरे एक आंटी ने साई बाबा को भोग पे चढ़ाया है, तो उन्होंने दिया है। और ये है सिमुई है जो मम्मी ने दिया है साई बाबा को, और गाजर का हलवा भी साई बाबा को ही दिया है। और ये है मेथी की पराठा और ये है पम्पकिन की सब्ज़ी। तो आज बस डिनर यही है, यही खाऊँगी। तो मैं 8 बजे के आसपास डिनर कर लेती हूँ, तो यही मेरा टाइमिंग है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों तक पहुँच पाए, और बस मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। इसके लिए इतना ही, आज पहला दिन था तो मैंने दिखाया कि क्या क्या मैंने खाया है ब्रेकफास्ट में, लंच में एंड डिनर पे, और एक्सरसाइज भी किया है। तो ऐसे ही मैं 30 डेज तक मैं वीडियो देते रहूँगी, मैं वेट जो है कम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो देखते क्या होता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो जो है जो भी देखेंगे प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक मेरी जो ये बातें हैं, मेरी जो वीडियो है लोगों तक पहुंच पाए। मेरा इंटेंशन यही है कि मैं जो भी अपने लाइफ में जो भी मैं कर रही हूँ, ये जो भी अच्छा चीज़ मैं कर रही हूँ, लोगों तक मैं पहुंच पाऊँ। इसके लिए आई थिंक यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप ये अच्छा काम, कोई भी अच्छा काम आप कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। तो थैंक्स टू दोस्त जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरा 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर वहाँ से अभी 81 सब्सक्राइबर है, तो उन लोगों को बहुत 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 थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड प्लीज़ आप लोग भी शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, जो भी देखेंगे वो लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े और मेरा वीडियो जो है लोगों तक पहुँच पाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, फिर कल एक नया वीडियो, नया ब्लॉग के साथ, नया एक्सरसाइज, नया खाना। तो कल तो नॉन वेज डे है, तो कल देखते हैं क्या खाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ। बाहर बहुत ठंडा है, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है, तो प्लीज़ अपने आपको फिट रखिए, हेल्दी रखिए, ताकि ज़िंदगी में जो है जो भी प्रॉब्लम आए बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।